नमस्कार, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं नुमार भाई यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से नितिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। माई एस आई एस एप्लीकेशन को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि माई एस आई एस क्या है, ये कैसे काम करती है, हम नितिन भाई जी से जानेंगे। नितिन भाई, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए ये माई एस आई एस क्या है और बताइए इसके बारे में। एक्चुअली देखिए, माई एस आई एस जो है वो एक ऐप है, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं कोई भी ऐप, फेसबुक हो गया या फिर आप ट्विटर हो गया, इस जो ऐप इंस्टॉल करते हैं माई एस आई एस ऐप है, ये वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो हमारे जवान काम कर रहे हैं वो ये ऐप आराम से इंस्टॉल कर सकता है, कोई पर्सन इंस्टॉल कर सकता है। बेसिकली जो माई एस आई एस है, इसको लाने का जो उद्देश्य है वो हमारे कंपनी को और हमारे गार्ड को जो डिजिटल बनाने का जो एक अप्रोच था हमारे एस आई एस का, वो अप्रोच को कायम करना है। मतलब डिजिटल मीन्स गार्ड को ही हमारा एक मिनी ब्रांच दे देना है। अच्छा। मतलब वो अपना टोटल चीज देख सकता है कहाँ हमारा पीएफ, मतलब ब्रांच में आपको जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो ब्रांच में आप पूछते हैं फोन करके पीएफ कितना है, मेरा ईएसआईसी क्या है, कितना कटा, कहाँ डिडक्शन हुआ, आपको कोई दिक्कत मतलब नहीं कि उसमें सैलरी स्लिप भी आपका जनरेट हो जाएगा। सैलरी स्लिप जनरेट भी होगा, उसमें दिखेगा भी हमारा पीएफ कितना कटा है, ग्रॉस मेरा इतना बना है, मेरा ईएसआईसी इतना कटा है, मेस मेरा इतना कटा है, इन हैंड मेरा इतना आया है। पहले मतलब ये सबसे ज्यादा समस्या होता था कि गार्ड लोगों को या सुपरवाइजर लोगों को सैलरी स्लिप बहुत लोगों को मिलता ही नहीं था। अभी क्या है, उसके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाता है। ये प्रॉब्लम था एक्चुअली, क्या है कि सैलरी स्लिप कई कुछ यूनिट हमारा बहुत डिस्टेंस होता था, तो वहाँ पे कुछ गार्ड को सैलरी स्लिप नहीं पहुँच पाता था किसी कारणवश, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज भी पूछता भीतर नो बताते थे, यानी कि बताया जाता है उनको, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते थे। तो कंपनी का मोटो था जो हमारे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड हो, वो संतुष्ट हो, तभी हमारा ग्राउंड मजबूत हो पाएगा। अब देखिए, पहले सिस्टम था मनीपुट का, मनीपुट एक रजिस्टर होता है, ड्यूटी रजिस्टर, जिसमें आप ड्यूटी लगाते हैं और उसी से आपका पूरा ड्यूटी काउंट होता है, उसी से जवान को सैलरी मिलता है जितना आपने ड्यूटी किया और पूरा डिटेल्स होता है। तो मनीपुट में क्या होता था, कोई जवान, अब देखिए वो जब साइन कर रहा है तो वो ड्यूटी करके आता है, थके आते हैं, मंथ के लास्ट में साइन होता है, कोई ऊपर साइन कर दिया, कोई नीचे साइन कर दिया, कोई रजिस्टर नंबर दूसरे का लिख दिया, कोई अपना दूसरे में लिख दिया, तो ये सब जो सैलरी में गड़बड़ी हो जाती होगी। सैलरी में गड़बड़ी के साथ साथ हमको ब्रांच में कई तकलीफ भी होता था कि अब पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर दिख नहीं रहा है, अब दिख भी रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है, फोन लगा रहे तो फोन नहीं लग रहा है जवान को। अब इसका दिक्कत ये है कि यदि आपका जवान को पेमेंट नहीं जाता है तो फिर वो काम कैसे करेगा, सही है। तो उस चीज को जो कोई दिक्कत नहीं हो जवान को और टाइमली पेमेंट मिले, अब तो माई एस आई एस ऐसा सिस्टम कर दिए कि उसको टाइमली, मतलब एक पहले 7 को पेमेंट मिलता था या 10 को पेमेंट मिलता था कहीं कहीं यूनिट में, ऐसे 7 को जनरली मिल जाता था। तो अभी क्या है, माई एस आई एस ये कोशिश कर रही है, हमारा माई एस आई एस का जो टीम है, टेक्निकल टीम, वो कोशिश करी कि हमारा पूरा काउंट किस तक हम कर लें और करके एक को हम पेमेंट कर दें। तो अब गार्ड को पेमेंट भी हमारा एक को हो जाएगा, जो हमारे यूनिट में काम कर रहे हैं उनको भी, मतलब जितने मेंबर हैं सबको एक तरह का पेमेंट आएगा, जिससे कि वो अपना जरूरत है और जो भी है वो पूरा कर सके, कोई दिक्कत नहीं उनको। अब देखिए, माई एस आई एस जो आया इससे क्या होगा कि सबसे पहला चीज कि उनको अपना डिटेल्स बता रहेगा, उन्होंने ड्यूटी कितना किया। अब क्या है कि इसमें ड्यूटी में कोई यदि पी अपना प्रेजेंट दिखा रहा है तो प्रेजेंट दिखाने में बहुत सारे लैप्स होता है, कोई दिखा रहा है दिखाने में कहीं आपका क्रॉस हो गया, कहीं पे आपका प्रेजेंट दिखाने में आपका वाइटनर लगा दिया, तो इस टाइप से काफी रजिस्टर का जो है ना लुक आपको बहुत गंदा लग रहा है, गंदा लगता है। उसमें उसमें जो है ब्रांच टीम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा था। अब माई एस आई एस क्या पूरा डिजिटल दिखाती है आपको, आप खोलेंगे जब उसमें ड्यूटीज आपको डिजिटल दिखेगा, हमने कितना ड्यूटी किया और ड्यूटी करने के दौरान आपने जो ड्यूटी किया है वो आप आज का नहीं बैक मंथ का भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं मनीपुर एक बार चले गया तो दोबारा आपके पास आएगा नहीं आता है, तो आपके पास एक प्रूफ भी रहेगा। ये कितने मंथ तक मतलब एक्सेस करता है, बैक टू बैक जितना आप कर सकते हैं, जितना आप कर हाँ सकते जितना हैं। सारा मतलब रिकॉर्ड रहता है, हाँ रिकॉर्ड रहता है जब से आपने लॉग इन किया है। तो उसमें सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एकदम सिंपल बनाया है हमारे टेक्निकल टीम ने, कि जैसे आप उसमें लॉग इन करेंगे, आप उसमें लॉगिन करने के साथ लॉगिन उस नंबर के साथ करेंगे, जो नंबर आपने जो ज्वाइनिंग किया है शायद इसमें, उसमें जो आप नंबर दिए उस नंबर से लॉगिन होगा वो, या आपके आईडी से लॉगिन होगा। तो वो लॉगिन होने के बाद उसमें आपका सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, रजिस्टर नंबर मांगा जाएगा। अच्छा, जब लोग यूनिट में जाते हैं, जब आप लॉगिन करेंगे उसको। नहीं नहीं, मान लीजिए कोई लड़का कहीं ट्रेनिंग कर रहा है या फिर नया ज्वाइनिंग किया है, तो जिस यूनिट में उसका ड्यूटी लगा उस यूनिट में जाएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या प्रोसेस क्या? देखिए, सबसे पहले वो जाएगा ब्रांच में, ब्रांच से भेजेगा यूनिट में, यूनिट में जैसे ही भेजेगा तो माई एस आई एस एक एक्सेस का ब्रांच हेड के पास एक एक्सेस रहता है। अच्छा। उसमें वो यूनिट को लोकेट कर देंगे। ओके। कि यूनिट हम लोकेट कर दिए, मान लीजिए कोई यूनिट है मेरा लफार्ज है
या कोई यूनिट मान लीजिए आपका पारस पावर है या कोई मान लीजिए महिंद्रा है, जहाँ पे उनको भेजना है वो लोकेट कर दिया, ड्यूटी असाइन कर दिया, उनका ड्यूटी ऐसे ऐसे लाएगा, ठीक है। तो वो यूनिट लोकेट करने के बाद वो जाएगा यूनिट में, वहाँ पे वो QR कोड को स्कैन करेगा, स्कैन करने से पहले वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करेगा तो लॉगिन में उसका नंबर डालना है या अपना ID डालना है। ID डालने के बाद उसका पूरा डिटेल्स उसमें काउंट हो जाएगा कि आपने आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इतना ईयर से आप SIS में है, तब दिखेगा उसको। अब अच्छा, जो पहले से कर रहे हैं, जब ISIS नहीं था उससे पहले से कर रहे हैं, उसका हाँ, भी दिखेगा कितने डिटेल्स। हाँ बिल्कुल, उसमें डिटेल दिखेगी, उन्होंने कहीं भी चेंजेस नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, कभी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर बंद होकर फिर से मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, उनका रिकॉर्ड दिखेगा जब से आप मतलब कर जो रहे हैं। 10 साल से कर रहे हो दिखाएगा, 10 साल से पूरा 10 साल दिखेगा उसमें। तो ये फैसिलिटी भी उसमें है। और उसमें अब क्या करना है आपको, जैसे यूनिट में जाते हैं आप तो पहले आप अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद अपना जो QR कोड एक होता है, जो QR कोड लगाया जाता है वो हमारा ब्रांच टीम द्वारा, जो एरिया ऑफिसर होते हैं या ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन टीम होता है वो अपने जिनके नाम पे यूनिट रहता है वो जाके वहाँ पे QR कोड लगाएंगे, उसको अपने IOPS डिवाइस होता है जो हमारे ऑपरेशन टीम के पास होता है, तो IOPS डिवाइस से उसको लॉगिन करेंगे। ओके। और लॉगिन IOPS डिवाइस से जैसे उसको एक्टिव कर देंगे तो ब्रांच का जो स्टाफ है उसमें किसी भी स्टाफ को जिसके नाम से वो यूनिट असाइन है वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये यूनिट में QR कोड हो गया है, वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे QR कोड असाइन हो गया है, एक्टिव भी हो गया है। अब वो जवान जब जाएगा वहाँ पे जाके QR कोड जब अपना लॉगिन करने के बाद QR कोड स्कैन करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसको यूनिट लोकेट हो जाएगा, दिखेगा और ओके भी हो जाएगा, तो पंचिंग हो जाएगा। बिल्कुल पंचिंग हो जाएगा, तो इस सिस्टम से वो अपना पंच आराम से कर सकता है, पंचिंग में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अब पंचिंग करने के बाद जब वो ड्यूटी करेगा तो टाइम पे जाएगा, 15 मिनट पहले उसमें असाइन होता है टाइम किस टाइम पे आप ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है, इसमें आप इससे एक फायदा और है कि जो हमारे जवान है उनको पंचुअल भी हमेशा रहना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि पहले था कि चलो ठीक है 10 मिनट लेट से या आधा घंटा लेट से, ऐसा नहीं है। उसमें आपको टाइम से पहले, जैसे ब्रीफिंग होता है 15 मिनट पहले, वो आपको उसी टाइम से जाना पड़ेगा। मान लीजिए 7 बजे आपका ड्यूटी है, आपको 6:45 तक आपको वहाँ पे पहुँचना है। आप पहुँच के आपको वहाँ पे पहले स्कैन करना है, ड्यूटी अपना ओके करना है, क्योंकि यदि आप लेट से जाएंगे तो लेट से आपका 5 रुपया उसका पेनल्टी है, फाइन है, वो ऑटोमेटिक वो दिखेगा। जब आपका एरिया ऑफिसर या फिर जो भी ऑपरेशन स्टाफ रहेगा उनको दिखेगा कि इन्होंने लेट से पंच किया है, वो उनको सब डिटेल्स जाएगा उनके पास। अच्छा, मान लीजिए शिफ्ट तो चेंज होते रहता है, कभी कोई एक सप्ताह डे शिफ्ट कर लिया, कभी एक सप्ताह नाइट हो गया, या फिर सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो फिर वो उसको टाइमिंग कैसे क्लियर पता चलेगा? उसमें जो शिफ्ट वाइज है, जो आपका एक्सेस रहता है ब्रांचेज सर के पास, वो ब्रांचेज के सर के पास अपना एक्सेस का एक पैरामीटर रहता है कि आपने इस संडे सैटरडे या मंडे जिस दिन वो ड्यूटी कर रहा है वो आपने असाइन कर दिया, टाइमिंग शिफ्ट असाइन कर दिया। अब वो ए में करे, बी में करे, सी में करे, वो सब शिफ्ट ऑटो अपने जैसे वो स्कैन करेगा ऑटोमेटिक वो ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए सी शिफ्ट में किया तो वो ऑटोमेटिक असाइन है, इस शिफ्ट में सी में भी कर सकता है, एमए भी कर सकता है, जनरल भी कर सकता है, मतलब कोई भी शिफ्ट में वो ड्यूटी कर सकता है, लेकिन हर शिफ्ट का एक टाइमिंग होता है। टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पे आप करेंगे तो वो टाइम पे हाँ, खुद पकड़ लेगा। हाँ, क्योंकि हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ए में ये टाइमिंग है, बी में ये टाइम है, सी में ये टाइम है, जनरल में ये टाइमिंग है। उस टाइम पे यदि आप करते हैं तो हमेशा आपका पंच टाइमली होगा, और पंच होने के बाद वो ग्रीन हो जाएगा। यदि आप लेट से पंच करते हैं या फिर आप ड्यूटी पे पहले ही पोस्ट छोड़ के आ जाते हैं तो वो रेड हो जाएगा, ये शॉर्ट ड्यूटी दिखेगा, देन आपका जो सैलरी है वो हाफ हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए इसमें किसी का सैलरी जो है अटेंडेंस जो है किसी भी कारणवश नहीं लग पाता है, सपोज कीजिए उसका मोबाइल खराब हो गया या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो पंच इन पंच आउट नहीं कर पा रहा है, फिर उसका आप लोग कैसे करते हैं? उसमें यदि ये इशू आ रहा है उसको, यदि पंच नहीं, अपने सीनियर को बताएगा कि मेरा पंच नहीं ले रहा है, देन ब्रांच टीम को बताएगा, ब्रांच से चेक करेगा, यदि उसके पास उस डेट का एक्सेस नहीं हो पाया, यदि वो अपना पंच नहीं कर पाया तो वहाँ पे वो ऑन रिकॉर्ड ये ले सकता है कि डेट को इनका पंच नहीं हुआ है। या फिर एक ऑप्शन और है कि हम दूसरे के मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि अपने उनके दूसरे के मोबाइल से हम लॉग आउट कर लिए और उसमें हम लॉगिन करके अब पंच कर दें, पहले अपना ID का स्कैन कर लें, देन अपना QR कोड का स्कैन कर दें, अब पंच प्रोसेस को ओके कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो MySIS एप्लीकेशन है इसको चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉइड फोन कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल, जो भी सिक्योरिटी गार्ड पहले जमाने के हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, अगर अब आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो मुश्किल होगा ड्यूटी करने में आपको, है ना। तो
अभी तो लगभग सभी के पास हो ही गया होगा एंड्रॉइड फोन। लगभग सबके पास है। अभी ऑल इंडिया में कितने जगह मतलब ये MySS का यूज हो रहा है? ऑलमोस्ट लगभग जगह हो गया है, कुछ बचा हुआ है जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड बचा हुआ है, हमारा ईस्ट में भी इम्प्लीमेंट हो गया है, साउथ में ऑलरेडी 1.5 साल पहले हो चुका है, उसके बाद हमारा अभी MPCG एरिया में भी हो चुका है, मतलब हर एक जोन में हमारा हो चुका है। अब कुछ जोन बचा हुआ है जहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है, अब प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया, ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो मे भी ये जो 2022 है लास्ट होते होते हर जगह MySS आपको दिख पहुंच जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है MySIS, जिसमें गार्ड को सुपरवाइजर को जो सबसे ज्यादा समस्या होती थी कि उसको अपने बारे में अपने ड्यूटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती थी कि ब्रांच में हो क्या रहा है, वो सारी चीजें अब जो है आपके मोबाइल में होगी MySIS के जरिए। सारा डिटेल्स, आपको सैलरी स्लिप कितना आपका पैसा कट रहा है, किस चीज का कट रहा है, सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा, कितना दिन आपने ड्यूटी किया है ना। ये चीज आपका SIS ही पहली कंपनी जो चीज वो इम्प्लीमेंट कर पाई अपने ग्राउंड पे जो काम कर रहा है उनको एक मिनी ब्रांच देने के रूप में, कि आप अपने डिटेल्स अपने पास रखिए, अपने पास देखिए हमेशा। वैसे देखा जाए तो SIS धीरे धीरे जो है कंटिन्यू टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ती जा रही है, अपने आप में टेक्निकल समाते जा रही है, आगे भविष्य में और क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें SIS? आगे भविष्य में अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जैसे उसमें MySIS को ही देख लें, किसी तरह का हम लोग MySIS के जैसे ऐप को इंस्टॉल करके आप आराम से उसमें पंच कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम लोग और ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे कि MySIS में और ज्यादा फैसिलिटीज हम क्या क्या दे सकते हैं, जिससे कि मान लीजिए लोन फैसिलिटी है या फिर कंपनी में जो हमारे जवान को फैसिलिटीज मिलती है, तो इस बारे में भी अभी डिस्कशन चल रही है, तो हम लोग और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे आने वाले समय में। चलिए बहुत बढ़िया, MySIS के बारे में आप लोगों को अगर जानकारी पहले से था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं था तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे गार्ड को जो MySIS के बारे में अगर चिंतित हैं? नहीं, उनको बिल्कुल मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप चिंतित नहीं हो, ये ऐप आपके लिए है और आप इसको अपने जब आप यूज करेंगे ना तो आप समझेंगे कि इससे आपका क्या आपका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये ऐप बेसिकली ये आपके डिटेल्स के लिए बनाया गया है, जो आप डिटेल्स लेते हैं ब्रांच स्टाफ से या आपको किसी कारणवश लोग बिजी रहते नहीं मिल पाता है, आपको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, अपना सैलरी डिटेल्स सब आप अपने पास देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला, ये आपके लिए है, आपके सहूलियत के लिए। चलिए बहुत धन्यवाद नितिन जी आप, और जो भी लोग टेक्निकल फील्ड से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं MySIS में रजिस्टर में मणिपुर में एंट्री वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए MySIS जल्द ही आने वाला है, इस चीज को आप सीख लीजिए। नमस्ते।